अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुश कुकिंग व्लॉग। आज की हमारी रेसिपी है लौकी कोफ्ता करी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हाफ लौकी लेंगे और उसे ग्रेट कर लेंगे और उसका पानी निकाल लेंगे, और लेंगे 2-3 चॉप अनियन फाइनली चॉप किया है, 3 ग्रीन चिलीज, लौकी का लेफ्ट ओवर पानी है, ये ग्रेवी में काम आएगा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 बॉयल पोटैटोस फॉर ग्रेवी, 1 स्मॉल बोल बेसन, 2 टीस्पून ग्रेटर जिंजर, अजवाइन एंड मेथी, हरा धनिया 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट, ग्रेटेड लौकी में अजवाइन ऐड करेंगे, जिंजर, ग्रीन चिलीज चॉप की हुई ऐड करेंगे, हरा धनिया, जो भी स्पाइसेस है, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट मत ऐड कीजिए, इन लास्ट ऐड कीजिए सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब ऐड करेंगे बेसन, हमने हाफ बोल ही बेसन ऐड किया है, अच्छी तरह मिला लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो बेसन ऐड कीजिए वरना मत कीजिए। अब ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, अब थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, उफ्ते रेडी कर लेंगे। अब एक पैन में 4-5 टेबलस्पून ऑयल हीट करेंगे और कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। चलिए अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। एक बोल में हरा धनिया, नमक, हल्दी ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमने जो बचा हुआ जिंजर था वो भी ऐड कर लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर मसाला रेडी कर लेते हैं ताकि वो जल ना पाए। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल हीट करेंगे, उसमें ग्रीन चिलीज चॉप अनियन ऐड करके अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब ऐड करेंगे बॉयल पोटैटोस, पोटैटोस थोड़ी देर सौते होने के बाद उसे मैश कर लेंगे, अच्छी तरह मैश हो जाने के बाद अब बारी है ऐड करने की, जो हमने मसाला रेडी किया था स्पाइसेस का वो ऐड करेंगे, 5-10 मिनट्स अच्छी तरह पका लेंगे लो फ्लेम पे। अब बारी है लौकी का लेफ्ट ओवर पानी ऐड करने की, ऐड कर दिया है हमने, अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा लीमू ऐड किया है, हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब ऐड करेंगे लौकी के कोफ्ते ऐड करेंगे, अच्छी तरह चला लेंगे, फिर से 5-10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। लौकी कोफ्ता करी इज़ रेडी। आई होप यू एंजॉय माई रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।